और राणा रणजीत सिंह और यहाँ पर जैसे अख्तरुल ईमान साहब सभी पहुंचे हुए यहाँ पर। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शिविर के धरती पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप राणा रणजीत सिंह पक्ष में आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है? आप खुद देख लीजिएगा माहौल कैसा है, उसमें नतीजे जब आएंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कैसा माहौल है। और विरोधी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं है, सब अफवाह है। विरोधियों का काम है, हमारा काम है बटन दबाने का, और बटन दबाएंगे जरूर इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पर माहौल जो आपका स्वागत में इतने लोग पहुंचे, तो आपको इसका कैसा लग रहा है कि यहाँ पर लोग उम्र में खास तौर से नौजवान दर्ज होने वाली है? यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर इनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं, और राणा रणजीत सिंह है, और सांसद जो कि इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और भारी संख्या में जो कि नौजवान खास तौर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि नौजवान और इनके साथ जितने भी है फेनारा के अंदर, जो कि शिवर संसदीय क्षेत्र के अंदर फेनारा है, और उस फेनारा के अंदर आज को जनसभा रखा गया था जिसको संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर है। और जो कि इम्तियाज जलील साहब का अपना एक रुतबा है औरंगाबाद से, वो सिटिंग सांसद भी इस बार 2019 से जीत कर आए थे और 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के मौजूद है नसीम साहब, और आदिल हसन साहब जो कि प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि पुरजोर तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है, पुरजोर तरीके से स्वागत किया जा रहा है इम्तियाज जलील साहब का। और ये देखिए गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का काफिला है। आप यहाँ पर आसानी के साथ इम्तियाज जलील साहब के समर्थन में काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इम्तियाज जलील जो कि शिवर संसदीय क्षेत्र के अंदर फेनारा के अंदर पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद से सांसद है, अख्तरुल ईमान साहब जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, और आदिल हसन साहब जो कि एमआईएम के जितनी भी टीम है वो पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हुजूम यहाँ पर है, और देखिए इनको समर्थन देने के लिए और स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे इम्तियाज जलील साहब के लिए, जो कि फिनारा की धरती पर, फिनारा के जमीन पर, सर जमीन पर पहली बार जो कि आना हुआ है इम्तियाज जलील साहब का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है, और लोगों में इसलिए खुशी की माहौल है क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर उनका आना हो रहा है, और वो भी एमआईएम के तरफ से, और एमआईएम के जो भी पार्टी के लीडर, बड़े लीडर है, वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। आज जो कि 22 तारीख है, और 22 तारीख में प्रोग्राम जो कि रखा गया है शिवर संसदीय क्षेत्र 4 के अंदर, फेनारा के अंदर। और देखिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पीछे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड के, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और बीच बीच में आप पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब का भी नारा लगाया जा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में नारा लगाया जा रहा है, और सभी के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। और यहाँ पर जैसे जैसे ग्राउंड के अंदर फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं, और ये ग्राउंड जो कि यहाँ फिनारा के अंदर, इसी ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम रखा गया जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ के जो भी लोकल लीडर है वो भी यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफी यहाँ पर भीड़ है, और काफी यहाँ पर उनको लोग पहुंच चुके हैं, और स्टेज की तरफ उनको बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इम्तियाज जलील साहब को यहाँ पर, इम्तियाज जलील साहब को यहाँ से रिसीव किया जा रहा है, और यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया स्टेज है, और स्टेज से यहाँ पे इम्तियाज जलील साहब को रिसीव करने के लिए खुद आ रहे हैं। और जो कि राणा रणजीत सिंह वो भी साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब है, और यहाँ के जितने भी पार्टी के लीडर, लोकल लीडर सब यहाँ पर मौजूद है, और बहुत ही शिद्दत के साथ यहाँ के जो लोकल जितने भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इम्तियाज जलील साहब सांसद जो औरंगाबाद से, जैसे उधर देख सकते हैं कि वहाँ पर देखिए फूल वाला पहना कर उनका स्वागत किया जा रहा है इम्तियाज जलील साहब का। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनारा के सर जमीन पर पहली बार इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, और लोकल यहाँ के जितने भी लोग लीडर है वो सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील साहब जितने भी समर्थक है सब यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे स्टेज पर पहुंच चुके हैं इम्तियाज जलील साहब। पहुंच चुके हैं मेरे बैक साइड में, इधर से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक
समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एमआईएम के जो भी समर्थक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसी ग्राउंड के अंदर, और इसी ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम होने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी के अंदर जोश और जुनून, किस तरीके से जज्बा सबके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब को रिसीव किया जाएगा, जो कि बहुत ही शिद्दत के साथ लोग इंतजार कर रहे थे इनको सुनने के लिए।